नमस्कार, मैं हूँ सोनाली सगोत्रा और आप देख रहे हैं शिव टाइम न्यूज़। इस वक्त हम मोहल्ला क्लीट में मौजूद हैं। यहाँ पे एक पार्क है और यहाँ वार्ड नंबर 15 के कॉर्पोरेटर संध्या गुप्ता जी, आज उन्होंने यहाँ पार्क का काम जो है वो स्टार्ट किया है, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका ही शिव टाइम्स में। नमस्कार जी। जी मैम, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से आपने वार्ड नंबर 15 में अपने वो खूबी तरीके से हर एक काम करवाते हैं और आज जो आपने पार्क का काम स्टार्ट किया, क्या कहना चाहते हैं? ये पार्क एक हमारा टूरिस्ट एरिया है और ये पार्क अब टूरिस्ट एरिया में ही आता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस पार्क की जितनी मतलब हम केयर करें उतनी ज़्यादा होती है। आज ये हमारे पार्क का 5.5 लाख का काम है और इसमें हमारे मिट्टी डलनी है, घास का काम है और इसकी लेवलिंग करनी है। एक और हमारा ये 25 लाख का यही पार्क का काम है, वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैं तो ऐसे ही चाहूँगी कि हमारे जितने भी टेंडर लगे हैं वो जल्दी से जल्दी काम शुरू हो ताकि लोगों को थोड़ी सहूलियत मिल सके। और ऐसे टाइम तो लगता है, पिछला साल कोविड का जो चला गया उस साल कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए अब सभी काम शुरू होने लगे हैं। ऐसे ही मैं अपने वार्ड के सभी काम करवाऊंगी और अपने जो मेरे साथ मेरे रितिका जी है, शैली जी है, सुनीता जी है और हमारे जितने भी वाकई मेंबर हैं, मैं उनका सभी हृदय दिल से शुक्रगुजार रखती हूँ कि जो हर टाइम मेरा साथ देते हैं। और बिना एक कॉर्पोरेटर कुछ भी नहीं करते जब तक उनका साथियों का सहयोग ना हो, इसलिए मैं ऐसे भी मतलब हर पल इनका सहयोग चाहूँगी कि ताकि हम आगे भी अपने वार्ड को एक अच्छा वार्ड बना सकें, ताकि हमारा जो वार्ड है वो टूरिस्ट एरिया में है, जो बाहर से भी लोग आए इस पार्क में आए जहाँ बैठ के मतलब थोड़ा आराम से लें। और ऐसे ही मैं इनका अपने हर टाइम इनका सहयोग चाहूँगी। जी मैम, वार्ड नंबर 15 की बात करें, आपने कितने काम जो है वो अभी तक करवा चुके हैं? मैं काफ़ी काम चला कर अभी तो मेरे दो काम अभी मतलब लगे हुए हैं, एक प्रतापगढ़ महल में, एक रुकनाथपुर में। उसके बाद एक ही काम इधर यही क्लीट महल्ले में नालियों का काम है। उसके बाद मेरा एक जो काम है वो दारगोल महल्ले में लगना है। काम तो मैंने काफ़ी करा चुके हैं और अभी लगने भी काफ़ी काम लगने वाले हैं जो टेंडर हो चुके हैं और वो जल्द वो काम भी शुरू हो जाएंगे। जी, और मतलब जिस तरह से आप यहाँ के कॉर्पोरेटर कह जाएंगे कि जनता की जो काम होते हैं आप इसी तरह जो है वो आगे भी करवाते रहेंगे कि जनता आपको सपोर्ट जो है? मैं तो अपनी तरफ पूरी कोशिश करूँगी और इनका सभी अपनी भाई बहनों का सहयोग चाहूँगी कि ताकि इनके कहने से ही मैं काम करा सकती हूँ। ये मेरे को बताया कि क्या काम होना है और जो जो काम बताएंगे मैं वही काम करती जाऊँगी। एक अकेला कॉर्पोरेटर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक सभी साथियों का साथ नहीं मिले। ऐसे मैं इनका फिर से वो यही बोलूँगी कि इनका सहयोग मेरे को मिलता रहे और मैं ये वार्ड का काम कराती रहूँ। जी, यहाँ पे हमारे कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। मैम, क्या आपका नाम? रितिका। जी मैम, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से आपकी वार्ड में सब काम जो है वो कॉर्पोरेट के थ्रू? हम हमारे सब की ये जो हमारा वार्ड 15 है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं संध्या जी के। हमारा बड़ा मन था शुरू से, हम सब इनके आगे ये रखते थे कि भाई पार्क को डेवलप करो, तो अब उन्होंने आज इसकी शुरुआत की है। आज हमारी मिट्टी भी खोदी गई है यहाँ पे। अब उन कह रहे हैं कि 5.5 लाख का एक टारगेट मिला है, एक 25 लाख का भी टारगेट मिला है, तो हम बहुत खुश हैं सब, क्योंकि ये होटल एरिया है, टूरिस्ट भी आता है और साथ में एक रेजिडेंशियल एरिया भी है। यहाँ पे बच्चे शाम को खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग वॉक करते हैं। एक तो यहाँ पे हाइजीनिक लेवल नहीं है जैसे कि अकॉर्डिंग टू कोविड एरिया, तो हमें हाइजीनिक भी चाहिए, तो इन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं संध्या जी के जो वार्ड नंबर 15 में ये स्टेप उठाया है, बस शुक्रिया। जी, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 15 के कॉर्पोरेटर संध्या गुप्ता जी, जो अपने वार्ड के हर एक काम जो है करवाने में बखूबी तरीके से जो है वो करते हैं और आज एक और काम जो है वो उन्होंने शुरुआत की पार्क का काम करवाने के लिए। आगे भी कुछ स्टैंडर्ड जो है वो उनके लगे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हम इसी तरह काम जो है अपने वार्ड के करवाते रहेंगे, इस तरह से जो है वो स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश जो हम पूरी तरह से करेंगे। और आप इस तरह देखते रहे शिव टाइम न्यूज़। मुझे बल्कि सोनाली सगोत्रा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।